विकसित भारत संकल्प यात्रा लेकर के आपके बीच में आए हैं। हमारे यहाँ के एसडीओ साहब, वीडियो साहब, आचार्य ग्राम पंचायत से आशीर्वाद लेकर के मुझे विधायक के रूप में चुना है, इसके लिए तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मगर आपने विधायक बनाकर भेजा, मोदी जी ने जयपुर जाते ही मुख्यमंत्री जी की शपथ दिलाते ही सभी विधायकों को पूरे राजस्थान में गांव गांव और ढाणी ढाणी पहुंच करके गरीब लोगों की जो समस्या रुकी हुई है उन समस्याओं को कैसे खत्म किया जाए, उनको कम कैसे किया जाए और इस देश को विकसित भारत कैसे बनाया जाए, ये सभी संभव है कि हम सब मिलकर के प्रयास करेंगे कि इस देश को मोदी जी की जो कल्पना है 2047 तक 23 चल रहा है 17 साल बाद अपन इस भारत को विकसित भारत के रूप में देखना चाह रहे हैं, ये मोदी जी का सपना है। इसलिए मोदी जी ने हम एमएलए को विधानसभा में शपथ भी होनी है मगर कहा नहीं, पहले गांव में जाकर आओ, जनता ने जिसने आपको आशीर्वाद दिया है वो जनता के चरणों में नमन करके आओ और उनकी दुख और पीड़ा में सहयोगी बनकर के सहायता करो। हम आज आपके बीच में आपकी समस्याओं को लेकर सभी विभागों को लेकर आए हैं और इन विभागों से जो जो काम आपके फंसे हुए हैं वो आप दर्ज करवाइए। ये मोदी जी की गारंटी की गाड़ी आई है। मोदी जी कहते हैं जो समस्या मेरे पास आएगी उनको मैं खत्म करने के लिए मैं गारंटी देता हूं। आप लोगों को मोदी जी गारंटी दे रहे हैं और ये रथ लेकर के ये गाड़ी है, इसको नरेंद्र भाई मोदी की गारंटी वाली गाड़ी बेची है, तो ताकि आपकी जो समस्या बार बार फंसी हुई है, बार बार आप कागज लेके घूम रहे हैं, अधिकारी लोग इस बात को सुनते नहीं है, तो कैंप में आपके अधिकारी एसडीओ साहब, तहसीलदार जी, वीडियो साहब सब आपके सामने बैठे हैं और आप सब अपनी अपनी जो ये 17 मांगे लिख करके दिए हमें कि इन 17 योजनाओं का क्रियान्वयन जनता में हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसके लिए आपके बीच में आए, और ये 17 मांगे जो है उसमें ये आयुष्मान भारत की प्रधानमंत्री जी की योजना है जो महिलाओं के लिए 5 लाख तक का इलाज फ्री करती है, उस योजना में आपको अपना भरम पड़ना है ताकि आपकी ये अलग अलग समस्याएं जो है अभी आपको डिपार्टमेंट वाइज बताएंगे, 17 बातों का आपको बताएंगे अधिकारी लोग, उनको अपन कैसे कम कर सके वो कम करने के लिए आयोजन रखा गया है। मोदी जी ने सबसे पहले कहा भारत को आगे बढ़ाना है वो गांवों में जाना है और गांवों में जो दुख और पीड़ा लोगों में है उसको कम कैसे करना है, बार बार कागज लेके घूम रहे हैं, कोई कह क्यों नहीं मिले, पेड़ वाला क्यों ले लिया है, गरीब आदमी बारे बैठा है, अन्य ठीक करने वास्ते काम कर लिया, यूं गैस जन नहीं मिली, जिन्होंने घर में गैस नहीं है वे हैंग जना आते फार्म भरा इधर बस में घसीट जाता लुटिया इनारू खाता भी खो दिया। आपने और भी जितनी सुविधाओं है वे सब सुविधाओं की कर मिले, वरना हर सब लोगों ने मालूम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना पहला 6000 रुपये बैंक खाता में थोड़े आपको कास्ट कर रहे खाता में भेजो ताकि कोई बिजली रो बिल भरना है, कोई अड़ियो कम भेगियो है, खाद बीज लावनो है टेम माते ला सको और अपना खेत की बुवाई कर सको, तो मोदी जी हर 4 महीनों हमें 4000 बीज डबल भेजिए। मोदी जी हरी बात में समझ रही है ताकि कि मैं तो एमएलए बनिया थे तो जयपुर आ रहा मेरे जयपुर जाते हैं मुख्यमंत्री बनाता है क्या थे जाओ गांव में, मैं तो परसों जी
पन्ना तारीख ने शपथ ली बोले ने जादन में कैंप करियो हतरे निकाले हिल्ला में करियो आज आपने अटैन बीमारी यूनियो हर दिन दो दो कैंप एक तारीख तक पूरी पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन में पूरा कैंप निपट गई मगर अन कैंपों में कोई न कोई सार्थक जगह गरीब की तकलीफ है राम जी थे घरे हो के नहीं हो मैं घरे में हूँ तो कह दू कि ठीक थोड़ा कागज लेने आई जाऊ मैं थोड़े हाथे हाल में थोड़ा कमरे वास्ते मदद करूं वो निवेदन करना चाहू आज मौका मिले ज्यादा से ज्यादा अधिकारी लोगों ने निवेदन करूं कि जो कि लोग आयो ना है उन्होंने कम कम काम जो कि बतावे उन्होंने किचन पे पार कर सको कई माता बहनों ने समस्या मा थारी नाम जोड़ भारत नाम खाता में कोनी मगर थारा जेठ और नाम री जमीन थी वहां तू चाहे कि मारे नाम भी वन में भेड़ो भे भाई भाई भेड़ा था हमें वो जेठू तो वही जो नाम तो नहीं भेज तो इन हारू कोई न कोई दावो करना पड़ी वरना कारण एस टी ओ साहब कने दावो कर जो जने कटी नाम आ सके नितर नहीं आ सके इन हारू अपे कानूनी जानकारी करनी पड़ी कि भाई कोई भी काम फंसे रही है वो क्यों अटक रही है मैंने अटकन ने ठीक करने वास्ते की करे मगर ये जगह अब जने जमीन है छोटी जमीन है और नियमों में आवे तो उन्होंने और जमीन माते बारह बारह हजार रुपये साल रोकी कर